हज़रत कतादा बिन नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कमान हदिया में मिली थी। उहद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमान मुझे अता फरमाई और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर तीरंदाजी करता रहा, यहाँ तक कि वो कमान टूट गई, लेकिन मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के सामने खड़ा रहा। जब भी कोई तीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अकदस की तरफ आता तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अकदस को बचाने के लिए अपना चेहरा आगे कर देता। आखिरी तीर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया वो मेरे आँख में लगा और मेरे आँख का डीला मेरे गाल पर आ पड़ा। मैं अपने डीले को हाथ में पकड़ी हुई अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी हथेली की तरफ देखा तो आप सल्लम की आंखों में आंसू भर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे अल्लाह, कतादा ने अपने चेहरे के ज़रिए तेरे नबी के चेहरे को बचाया है, बस उसकी आंखों को खूबसूरत बना और उसकी बिनाई को पहले से भी बढ़ा दे। चनांचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें बहुत खूबसूरत हो गई और बसारत बहुत तेज़ हो गई। सुबहानअल्लाह। दोस्तों, इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे Facebook पेज को लाइक करें। शुक्रिया।